क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छे क्वेश्चन में से एक है और मैं इस क्वेश्चन की भी जो मेन बात है वही मैं बता रहा हूँ। एक इसने काइट की शेप दी है, जैसे कि इसमें डायग्राम में जो भी जैसा भी डायग्राम यहाँ पर आपके सामने बना हुआ है, इसने एक तरह की काइट दी है और काइट भी 3 शेप में बनाई है। पहली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले नंबर जो उसमें दिया है ये तो अलग कलर है, दूसरे नंबर पर डिफरेंट अलग कलर है और तीसरे नंबर पर जो ये दिया है इसने ये नेक्स्ट पार्ट ये भी डिफरेंट कलर का है। इसने इसके 6, इसने 6 और ये 8, इस तरह से इसने इसकी मेजरमेंट दी है। तो इसने डायगनल दिया है, तो डायगनल ऑफ काइट इज इक्वल टू 32 मीटर। क्या है, एक स्क्वायर शेप है, एक स्क्वायर के आकार के स्क्वायर, ये आपका डायगनल 32 है तो यहाँ पर 16, ये पे यहाँ पर 16 और ये भी आपका पता होगा डायगनल्स जो है ना इक्वल होते हैं, मीन्स डायगनल क्या है आपका AC और क्या है आपका BD, ये दोनों क्या है 32 है। तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक भी आपका क्या है 32 ही माना जाएगा। तो ये 32 का हाफ डायगनल्स जो है आपस में एक दूसरे को जो है ना हाफ पर बायसेक्ट करते हैं, मीन्स आधा इधर और आधा इधर और आधा इधर और आधा इधर, मतलब आधा इधर आधा इधर। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर AC से ऊपरला भाग अलग है और AC से निचला भाग यहाँ पे ये है अलग कलर का, ठीक है। तो AC में हम लेकर चले दो, इसमें हम क्वेश्चन को दो तरह के फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये क्या है आपका राइट ट्रायंगल, ये आपका राइट ट्रायंगल बन जाता है तो यहाँ पर लेकर चले, और ये भी आपका राइट ट्रायंगल बन जाता है, इसको पॉइंट को ओ कह देते हैं। तो यहाँ पर लेकर चले एरिया ऑफ वन कलर, ठीक है, यहां पर एरिया हम वन कलर का लेकर चलते हैं, पहला कौन सा है और वह है ACD, ठीक है, वन कलर का एरिया ACD है। तो ACD में हम फिर लेकर चलेंगे एरिया ऑफ कह लो AOD, क्योंकि राइट ट्रायंगल है 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस भी आपका 16 है और हाइट भी आपकी 16 है, ये भी आपका 16, ये भी आपका 16, कितना का 8 और कितना का 8 मल्टीप्लाई में 16, 8×48 200 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एक आर्या आ जाता है। तो एरिया ऑफ टोटल पार्ट क्यों, क्योंकि दो है, 218 मल्टीप्लाई में 2 कितना आ गया, ये भी आपका 216, 2×8=16, 2×3=3, 2×2=4, यह गलत हो गया, 8×48 8×8=4 और 12, ठीक है, थोड़ा सा मैं गलत कर चुका हूँ। यहाँ पर 128 आता है एक पार्ट का, 128 8×2=16, 2×1=2=4, 1×5=2, तो एक भाग का एरिया आता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, किसका, एक कलर का। तो ये जो आपका कलर है, क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल्स है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कलर का एरिया आ जाता है 256 और एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। भाई जितना ये पार्ट है उतने पार्ट ये है, ये 16, ये भी 16, मींस जितना इसका एरिया है तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट का कितना आता है 256, ये भी आपका इतना ही आएगा, ठीक है। ये एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का था, फर्स्ट कलर का, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट मतलब सेकंड कलर का। अब बात करते हैं इसकी, इसका एरिया भी आपका आ गया 256, इसका एरिया भी 256 आ गया, दोनों कलर का अलग अलग जो कलर्स हैं उनका एरिया सेम आ गया, क्योंकि दोनों की जो डायमेंशंस बनती है वो सेम बन जाती है। तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, अब लेते हैं एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट मतलब ये, इसमें ए क्या मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, बी क्या है आपका वो भी 6 सेंटीमीटर, सी क्या है आपका 8 सेंटीमीटर, जैसे कि क्वेश्चन में इसने मेंशन किया है जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए की जगह 6, बी की जगह 6, सी की जगह 8 अपॉन 2, कितना आ जाता 20 अपॉन 2, कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला लगाते, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी,
इस तरह से मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, एस एस मीन सेमी पैरामीटर का मान 10 है, तो 10 में से यहाँ 6 माइनस करेंगे, 10 में से यहाँ भी 6 माइनस करेंगे, और 10 में से यहाँ कितना माइनस करेंगे 8, तो यहाँ पर कितना आ गया 10 में 10 10 ऐसे ऐसे कि यहाँ कितना बच जाता है आपका 4, यहाँ भी 4 बच जाता है, और यहाँ कितना बच जाता है आपका 2। तो इस तरह से देखो यहाँ 10 के टुकड़े कर लें, 5 दूनी 10, यहाँ पर 4 का स्क्वायर तो हो ही गया 2, तो ये 4 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, क्या बच जाता है आपका रूट 5, 5 4 2 8 रूट 5, और रूट 5 की वैल्यू जो होती है वो रख लेते हैं हम, रूट 5 की वैल्यू होता है 8 × 2.24, तो इसकी जब गुना करते हैं 8 × 32 8 × 2 16 3 19 8 × 3 16 1 17, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका थर्ड पार्ट का एरिया आ जाता है, इसका एरिया आ जाता है ये, इसका इसका एरिया, दोनों जो अलग अलग कलर हैं, तीनों कलर्स का एरिया अलग अलग आ जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन है, और ये थोड़ा सा समझना इसलिए जरूरी होगा कि देखो यहाँ पर हमने ट्रायंगल का एरिया, ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस होता है, क्योंकि यहाँ एक ये राइट ट्रायंगल, एक ये राइट ट्रायंगल, इस पूरे पार्ट के अंदर दो राइट ट्रायंगल बनते हैं, इसलिए हमने दो से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जब एरिया आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर दो राइट ट्रायंगल्स हैं, इसलिए इसका भी एरिया सेम हो जाता है। अब बात आते हैं इसका, इसकी इसने अलग अलग डायमेंशन दिए, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, और हमने इस तरह से हिरन फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर हम निकाल लेते हैं 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से तीनों जो शेप हैं, तीनों जो कलर्स हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हैं, उनका अलग अलग एरिया हम निकाल लेते हैं, जिसमें एक का एरिया आता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे का एरिया भी सेंटीमीटर इतना ही है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो थर्ड पार्ट है, जो नीचे जो इसने पार्ट दिया गया है, उसका है 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर।